ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन मलेशिया। मलेशिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे और उसका क्या बेनिफिट रहेगा और क्या खर्चा आएगा, क्या एक्सपेंसेस आएगा, उसके ऊपर बात करूँगा, डिटेल्स में बताऊँगा। तो इसी चैनल में मैं आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और कंपनी रजिस्ट्रेशन इन एब्रॉड के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन इन एब्रॉड, कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यों करोगे इन फॉरेन कंट्रीज, उसका बेनिफिट क्या है। जैसे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो और इंडिया से फॉरेन कंट्री को पैसा भेजना या रिसीव करना कभी कभी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, कभी कभी आपका जो बिजनेस पार्टनर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज या जो भी कंपनीज जिसको ज़रूरत है तो जो कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। तो मलेशिया, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो मलेशिया को, या आपके आपका मलेशिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, या आने वाले दिनों में मलेशिया में आप बिजनेस करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आपका कंपनी फॉर्मेशन, आपका एक कंपनी मलेशिया में होना जरूरी है। तो कंपनी कैसे बनाओगे? कंपनी मलेशिया में आप बनाओगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंडिया में अलग अलग टाइप का कंपनी होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है या आपका लिमिटेड कंपनी होता है, एमएसएमई कंपनी होता है, तो अलग अलग कंपनी, ऐसा मलेशिया में अलग अलग कंपनी होता है। लेकिन जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं इन मलेशिया। मलेशिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कहा जाता है एसडीएन बीएसडी, सांदिरियन बराहट। सांदिरियन बराहट जो ये मलेशिया का मलयालम लैंग्वेज का एक भाषा है, मलय लैंग्वेज में आया है सांदिरियन बराहत, उसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड। सांदिरियन मतलब प्राइवेट, बराहत मतलब लिमिटेड। तो सांदिरियन बराहत एसडीएन बीएसडी का कंपनी बनाना पड़ता है, तो इसको कहा जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सांदिरियन बराहत कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मलेशिया में आप बनाओगे तो मिनिमम उसका जो शेयर कैपिटल 1 रिंगिट से लेकर अनलिमिटेड रहेगा। रिंगिट क्या है? मलेशिया का करेंसी का नाम है रिंगिट। तो 1 रिंगिट, 1 मलेशिया का करेंसी आज के डेट में इंडिया का करेंसी में 17 रुपया 17 रुपीज़ है। पहले 22 रुपया कुछ था, अभी कुछ उनका डाउन हुआ है, उनका इकोनॉमिक का जो कंडीशन थोड़ा डाउन है, तो इसलिए वहाँ का करेंसी डाउन हुआ है। तो अभी 1 मलेशियन रिंगिट, 1 मलेशियन करेंसी इंडियन रुपीज़ में 17 रुपीज़ हो रहा है आज का डेट में। तो मलेशिया में कंपनी बनाओगे तो मिनिमम शेयर कैपिटल 1 रिंगिट से लेकर अनलिमिटेड रहेगा। जब मलेशिया का सिटीजन है, जो मलेशिया का लोग है, वो कंपनी बनाते हैं तो उनका कंपनी का शेयर कैपिटल रहेगा 1 रिंगिट रहेगा, चलेगा, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप इंडिया में आप जो एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाते हो फ्री में और आपको बिजनेस करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई फॉरेनर, कोई बाहर से कोई फॉरेनर आएगा इंडिया में कंपनी बनाएगा तो उसको प्राइवेट लिमिटेड करना जरूरी है, वो एमएसएमई में नहीं कर पाएगा। वैसा ही मलेशिया में अगर कंपनी बनाना चाहते हो एज ए फॉरेनर, आपका मिनिमम शेयर कैपिटल होना चाहिए कम से कम 1 लाख रिंगिट, ठीक है, 1 लाख रिंगिट होना चाहिए, मतलब इंडिया का 17 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन ये शेयर कैपिटल है। और अगर आपको मलेशिया में रहना है, मलेशिया में रहना है और बिजनेस करना है और वहाँ पर रेसिडेंसी वीज़ा लेना है, तो आपको वहाँ का जो शेयर कैपिटल रहना चाहिए 1 मिलियन रिंगिट होना चाहिए। आप वन रिंगिट में करोगे, 1 रिंगिट में, 1 रिंगिट शेयर कैपिटल में बिजनेस रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको तो लाइसेंस मिल जाएगा लेकिन आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे, बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा एडवाइस है, अगर आपको मलेशिया में रहकर बिजनेस करना है तो आपको 1 मिलियन शेयर कैपिटल दिखाना पड़ेगा, 1 मिलियन रिंगिट शेयर कैपिटल दिखाना पड़ेगा। और आपको अगर वहाँ पर रहना नहीं है, आपको जाना आना करना है, रहना कुछ दिन मलेशिया में रहना है, इंडिया आना है, फिर आपको 1 लाख मलेशियन रिंगिट का शेयर कैपिटल दिखाना है, तो क्या खर्चा आएगा उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। मलेशिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन गल्फ कंट्री जैसा ही है, तो मलेशिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक ढूंढना पड़ेगा मलेशिया का रेसिडेंसी वीज़ा में कोई, अगर मलेशियन है, कोई मलेशियन सिटीजन को ढूंढना पड़ेगा, या कोई फॉरेनर जो मलेशिया का रेसिडेंट वीज़ा में रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उनको ढूंढना पड़ेगा, जो आपका पार्टनर रहेगा, ठीक है, वो आपका 10-20-30% पार्टनर रहेगा कंपनी में, या अगर आप
51% में रखते हो मलेशियन सिटीजन को, तो आपका एक्टिविटीज आप ज़्यादा कर सकते हो और आपको कंपनी का जो आपका जो ऑपरेशन इजीली आप कर पाओगे इन मलेशिया। ठीक है, तो आइदर आप मलेशियन सिटीजन को ले लीजिए या मलेशिया का रेसिडेंसी वीजा होल्डर, कोई फॉरेनर रहता है वहाँ लॉन्ग टाइम के लिए, उसको ले सकते हो। वो आपका कंपनी में 10, 20, 30, 40, 51% पार्टनर रहेगा, लेकिन वो ऑन पेपर वो पार्टनर रहेगा और ऑफ पेपर में वो आपका पार्टनर नहीं रहेगा। आप उसको ईयरली कुछ पैसा दे दोगे, ईयरली आप उसको 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कुछ भी दे दोगे, वो आपका स्लीपिंग पार्टनर रहेगा। आपका बिजनेस में कुछ भी एक्टिविटीज़ में वो दखल अंदाज नहीं करेगा और आपका जो भी बैंकिंग में आपको ऑथराइजेशन दे देगा। बैंक में आप अकेले बैंक का अकाउंट होल्डर हो सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और आपका जो बैंक, आपका जो कंपनी का जो डायरेक्टर रहेगा, आपका पार्टनर रहेगा, मलेशियन हो सकते हैं या कोई फॉरेनर मलेशिया में लॉन्ग टर्म वीजा में रहता हो, तो उसका कोई बैंकरप्सी नहीं होना चाहिए। वो आदमी मलेशिया का बैंक में उसका बैंकरप्सी नहीं होना चाहिए, उसका नाम पे कोई लोन वगैरह नहीं रहना चाहिए। और उसको 5 साल से पाँच साल के अंदर उसको कोई भी जुर्म में, कोई भी केस में जेल होना नहीं चाहिए। तो ये उसका रिक्वायरमेंट्स है। तो ऐसे आदमी को आपको रखना है एज ए पार्टनर ऑन द पेपर। उसके बाद एक कंपनी सेक्रेटरी आपका कंपनी में रहेगा। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब होता है इंडिया में जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कंपलसरी है। एक कंपनी सेक्रेटरी 1 साल के लिए आपका कंपनी में रहेगा, उसको भी आपको 1 साल का कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो आपका कंपनी का टैक्सेस वगैरह काम करेगा। तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो पहला जो आपका मलेशियन सिटीजन या मलेशिया का रेजिडेंट होल्डर रहेगा, आपका पार्टनर रहेगा, पेपर में लिखा रहेगा जो उसका आपका जो इनकॉर्पोरेशन का पेपर है। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन का पेपर है एग्रीमेंट में, वो आपका कुछ परसेंटेज पार्टनर रहेगा। आप एज ए फॉरेनर आप पार्टनर होगे, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, टैक्स कार्ड बनेगा, उसके बाद आपका कंपनी सेक्रेटरी कौन रहेगा वो भी रहेगा, और उसके बाद आपका 1 साल के लिए आपका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जो वहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस है, लॉ फर्म है, उनका ऑफिस दिखा सकते हो। तो ये टोटल जो कॉस्ट होता है आपका 3,000 रिंगिट से लेकर 10,000 रिंगिट खर्चा आता है, डिपेंड करता है किस टाइप का कंपनी आप बनाते हो। तो आपका जो बहुत सारे, अगर आप ऑनलाइन में देखोगे, ऑनलाइन में सर्च करोगे या मलेशिया का लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करोगे, वो आपको बता देंगे 3,000 रिंगिट या 60,000, 70,000 में बना देंगे कंपनी। लेकिन उनके अंदर काफ़ी सारे हिडन कॉस्ट रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये इसको पे करो, उसको पे करो, तो बहुत सारे हिडन कॉस्ट होता है। तो मिनिमम आप पकड़िए, आप 1,00,000 इंडिया का 1,00,000 रुपया कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट रहेगा, इंडियन रुपीज़ 1,00,000 रुपीज़। और आपका जो 5,000 रिंगिट पकड़िए, 5,000 रिंगिट प्लस आपका 1 साल का जो पैसा, आपका जो स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, मलेशियन सिटीजन या मलेशिया का रेजिडेंट जो रहेगा, तो उसको 1 साल का जो भी देना है वो अलग रहेगा। कंपनी सेक्रेटरी को 1 साल का जो देना है अलग रहेगा, प्लस आपका ऑफिस का जो वर्चुअल ऑफिस, जो ऑफिस आपका करेस्पोंडेंस रहेगा आपका कंपनी का, तो वो जो 1 साल का रहेगा। तो आप 2,00,000 पकड़ के चलिए, आपका 1,00,000 का बिजनेस, 1 साल का बिजनेस जो ऑपरेशन करोगे इन मलेशिया, 2,00,000 पकड़ के चले, 1,00,000 में कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा, 1,00,000 में आपका जो ये सब कॉस्ट आ जाएगा। तो 2,00,000 में आपका कंपनी बन जाएगा SGN BSD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, कंपनी का सील स्टाम्प बन जाएगी, इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। फिर आप मलेशिया में रहकर आप मलेशिया का 3 महीना का वीज़ा मिल सकता है। 1 साल का वीज़ा अगर लोगे तो 3-3 महीना में एग्जिट, आपको सिंगापुर जाना है, फिर सिंगापुर पे एग्जिट होना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिसको जैसे कि आपने मलेशिया में रहकर बिजनेस करना है तो आपको 1,000,000 रिंगिट दिखाना पड़ेगा। तो ये बड़ा अमाउंट है, 1,000,000 रिंगिट और प्लस 1,000,000 रिंगिट तो आपको डिपॉजिट नहीं करना है, उसके लिए आपको 2-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है, तो अगर आपको मलेशिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है तो आपको 2-2.5 लाख तो खर्चा आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 1 साल का वीज़ा आपको मिलेगा, 1 साल का वीज़ा मलेशिया का वीज़ा मिलेगा, कंपनी मिलेगा, वर्चुअल ऑफिस रहेगा। तो 3 महीना आप एक एंट्री में रह सकते हो। तो वीज़ा जैसे कि 3 महीने ख़त्म होने को आएगा तो आप सिंगापुर का वीज़ा ले लीजिए। तो भाई बस के द्वारा सिंगापुर चले जाइए, बाय रोड में सिंगापुर चले जाइए, सिंगापुर में 1 दिन रुकिए या सेम डे मलेशिया में एंट्री करिए, फिर 3 महीना रुक सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे बिजनेस करते हैं मलेशिया में
रहते हैं, सिंगापुर जाते हैं आते जाते हैं, तो अगर मलेशिया में आपको बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, तो आप ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि मलेशिया का जो भी इम्पोर्टर्स है आपको मलेशिया में आपका बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे, फिर आपका मलेशिया का बैंक अकाउंट से आप इंडिया पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए, फिर इंडिया आके उनको एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया, मलेशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन और ट्यूबरोज ग्लोबल, यूट्यूब में सर्च बार में सर्च करके देख लीजिए। तो मलेशिया को फिलहाल बहुत सारे सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड प्रोडक्ट्स जाता है इंडिया से। तो मेरा एडवाइस है, अगर आप मलेशिया में बिजनेस करना चाहते हो तो मलेशिया में खुद का कंपनी बना लीजिए, रेजिडेंसी वीज़ा लेना ज़रूरत नहीं है, आप 3 महीना रुक सकते हो। मलेशिया में रहोगे तो आप मलेशिया सिंगापुर दो कंट्री को कवर कर सकते हो, मार्केटिंग करके इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब जैसा मलेशिया में मार्केटिंग करिए, मलेशिया का जो इम्पोर्टर्स है वो इजीली आपको, वो तो LLC खोलना नहीं पड़ेगा, आपको 30-40-50% वो पेमेंट दे देगा आपका जो मलेशिया का बैंक अकाउंट में। उनके साथ आप एग्रीमेंट करिए कि आपको ये साल में इतना इतना एक्सपोर्ट करना है। एग्रीमेंट करने के बाद आप क्या करना है, उनका जो मलेशिया का इम्पोर्टर है आपका मलेशिया का बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देगा, 30-40-50% डिपॉजिट करने के बाद वो पैसा को आप इंडिया ट्रांसफ़र कर लीजिए, आपका अकाउंट में इंडिया आ जाइए, फिर इंडिया से उनको एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो बहुत सारे तमिलनाडु केरल से बहुत सारे बिजनेसमैन एक्सपोर्टर्स ऐसे ही करते हैं, उनका मलेशिया में सिंगापुर में ऑफिसेस है, वर्चुअल ऑफिसेस है, बैंक अकाउंट है, कंपनी है, वो ऐसा मार्केटिंग करते हैं, इंडिया आकर उनको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अगर मलेशिया में एक्सपोर्ट करना है, मलेशिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगा मलेशिया में कैसे एक्सपोर्ट करोगे और कैसे कंपनी फॉर्मेशन करके इंडिया टू मलेशिया ईजिली एक्सपोर्ट करोगे और कैसे मार्केटिंग करोगे इन मलेशिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए काफ़ी सारे ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।